भगवान राम की नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्हीं श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए रामनगरी में इन दिनों 3 पथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहादतगंज बाईपास से लेकर लता मंगेशकर चौक तक लगभग 13 किलोमीटर लंबा रामपथ का निर्माण किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिरला धर्मशाला से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक जन्मभूमि पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा श्रृंगार हट बैरियल से लेकर राम जन्मभूमि तक भक्ति पथ बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार एक और पथ की सौगात देने जा रही है। हनुमानगढ़ी के निकासी मार्ग से लेकर जन्मभूमि पथ को जाने वाले मार्ग लगभग 14 मीटर चौड़ा होगा, जो बानर राज सुग्रीव के नाम से होगा, जिसके लिए PWD ने DPR तैयार कर लिया है। और अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार की माने तो DPR बनाकर शासन को भेजा भी जा चुका है। स्वीकृत मिलने के बाद जल्द ही सुग्रीव पथ का निर्माण शुरू होगा। जानिए क्या कुछ कहा जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने और अयोध्या के संतों ने। नहीं, इसमें अभी देखिए, अभी हम लोगों ने जो भक्ति पथ का 14 मीटर का हम लोगों ने बनाया है, और हमारा जो जन्मभूमि पथ है वो 30 मीटर और 24 मीटर के स्कीम्स में है, और राम पथ हम जानना कि 20 मीटर के स्कीम्स में है। उसी प्रकार हम लोग जो हनुमानगढ़ी में काफ़ी श्रद्धालु गण आ रहे हैं, और उनकी सुविधाओं के लिए दृष्टिगत रखते हुए उसको जो एग्जिट पॉइंट है हमारा हनुमानगढ़ी का एग्जिट पॉइंट है, उससे सुग्रीव किला है, वहाँ जो राम जन्मभूमि पुत्र है वहाँ पे हम लोग उसको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ 14 मीटर की चौड़ाई जो भक्ति पथ की चौड़ाई है उसको लेकर वहाँ मिलाया जाएगा, तो इससे हमारा कंजेशन वहाँ कम होगा। तो वही सुग्रीव पथ का हम लोगों ने कहा है, उसका DPR तैयार कर रहा है PWD, उसका DPR तैयार करके उसको हम शासन को प्रेषित करेंगे और उसको तत्काल रूप से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारा जो कंजेशन है उस एरिया में वो घटेगा। स्वागत योग्य है, और भगवान श्री राम के सेना के जो है तो सेनापति वानर राज सुग्रीव थे, इसलिए सुग्रीव के नाम से भी जो है पथ बनना बहुत ही अच्छा है। और ये रामनगरी के लिए राम राज की स्थापना का श्री गणेश माना जाएगा, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी जो अयोध्या बरसों से नहीं सदियों से उपेक्षित रही, अयोध्या की संस्कृति को जहाँ विकृत किया जा रहा था, योगी जी के आने के बाद अयोध्या फिर से अपने जो है तो वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो रही है, यह योगी जी की देन है। और योगी जी को हम लोग जो है बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं, और जो पूर्ववर्ती सरकारें तुष्टिकरण के कारण अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करना चाहती थीं, अब उनका वजूद समाप्त होने जा रहा है। ये है राम की महिमा।